हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। बी एड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा पेपर फोर्थ के अंतर्गत आज हम देखेंगे भाषा उत्पत्ति एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। तो आज हमने तीन सिद्धांत लिए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है संकेत सिद्धांत, यानी कि एग्रीमेंट थ्योरी। सेकेंड सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत, द यो ही हो थ्योरी। थर्ड है संगीत सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत सिद्धांत के विषय में। इस सिद्धांत को निर्णयवाद अथवा स्वीकारवाद के नाम से जाना जाता है। इस मत के प्रवर्तक फ्रेंच विचारक रूसो हैं। इनके अनुसार प्राचीन काल में आपसी समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता है। सेकंड सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत, यानी कि द यो ही हो थ्योरी। इस सिद्धांत को समापहार मूलकतावाद अथवा यो हे हो वाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रम जन्य हो, हु या हैया हैया इत्यादि श्रम ध्वनियों के आधार पर भाषा को यानी कि भाषा का एक तरह से उत्पत्ति अथवा विकास माना जाता है। सन 1970 में, यानी कि 1970 में एल नोएरे ने लेवर कोलाहल या श्रम ध्वनि दिया या श्रम ध्वनि सिद्धांत दिया। उनके अनुसार आदिम या प्राचीन लोग कार्य करते हुए कोलाहल करते थे। इस तरह धीरे धीरे भाषा का निर्माण व विकास हुआ। शब्द गहरी सांस लेना और कोलाहल करना इसी तरह से बनाए गए, परंतु इस प्रकार के शब्द बहुत ही कम थे। भाषा की उत्पत्ति की व्याख्या करने में अंतिम कदम लुडविंग, यानी कि जो नोएरे थे, के द्वारा ही लिया गया। वे जो बताते हैं कि भाषा की उत्पत्ति मनुष्य की साधारण कार्य से निकटता से जुड़ी हुई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मानव जाति का आदिम यानी कि प्राचीन समाज साथ साथ बना सामान्य कार्य तथा सामान्य संघर्ष द्वारा चेतावनी और संकट के तौर तरीकों को भय, जो कि इन सब के लिए पारस्परिक सहायता, पारस्परिक प्रोत्साहन एवं पारस्परिक संचार की आवश्यकता थी। ये कार्य कोलाहल करने, संकेतों को दिखाने तथा तैराकों तथा नाविकों के रूप में रस्सी खींचते समय गीत गाने के द्वारा किया गया। प्रोफेसर एफ मैक्स मुलर ने व्यंग्यात्मक रूप से इन तीनों सिद्धांत तीन सिद्धांत यानी कि वो वाओ थ्योरी, द पोह पोहे थ्योरी एंड द यो ही हो थ्योरी, ये जो हैं एक जैसे ही दिए हैं। किंतु नोएरे की प्रमुख या मुख्य समस्या भाषा की अधिक मात्रा के में जो है उत्पत्ति नहीं थी। तार्किक रूप से या फिर तार्किक की उत्पत्ति के रूप में वह इस निष्कर्ष पर आया कि तर्क शक्ति भाषा के माध्यम से विकसित हुई थी या विकसित हुई है। भाषा ही तार्किक मशीनरी है, फिर भी यह कोई कारण नहीं है कि इसमें या इससे भाषा को उत्पन्न किया है। पहले कोई तार्किक पशु नहीं था जिसने अपनी तर्क शक्ति से भाषा का आविष्कार किया। कहने का तात्पर्य यही हो जाता है कि भाषा सामाजिक दशा से उत्पन्न हुई है और भाषा ने तर्क शक्ति को उत्पन्न किया। बोलने वाला जो भी है, पशु रूप मनुष्य एक तार्किक मानव बन गया। नेक्स्ट सिद्धांत हम देख रहे हैं सिंग सॉन्ग सिद्धांत, यानी कि संगीत सिद्धांत। इस सिद्धांत को या फिर इसे जो है प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग वाद या फिर वो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के जो है संगीत से जो है भाषा की उत्पत्ति हुई है। और तथा इस विषय में कहा जा सकता है भाषा ने खेलने के रूप में जन्म लिया है और भाषण के अंगों से पहले निष्क्रिय घंटे के गायन, खेल, ऑटो
और 1992 में इसे जो है प्रशिक्षित किया गया डेनिस, यानी जो भाषाविद हैं, जैसे कि खेलते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, प्रेम प्रसंग भावात्मक इस तरह से बाहर आता है। और यहाँ तक कि उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि पहले कुछ लघु ग्रंथ हमारे साथ शुरू कर दिया गया और ग्रहण करने के बजाय वास्तव में लंबे समय तक संगीत चलते थे। और पता चलता है कि हम 18वीं शताब्दी और इसके आसपास इसका अच्छा विकास होने लगा। रूसो, रमाऊ और डाउनिंग 1995 के रूप में इसके बाद से गीत के भाषण का मूल करने के लिए ये जोड़ा गया है और जाना जाता है। तो विचार 20वीं सदी में प्रस्तावित इस तरह से किया गया। जैस पर्सन 1992, मालर 1970, गीस्ट 1978, रियरमैन 1993, बेनिस होटे और स्कोलेस 1998। जो है इसके विषय में मानते हैं कि ये जो है अत्यधिक विकसित श्वसन नियंत्रण और स्वर के उच्चारणों के कई ताल सही रूप में सही समय पर और जटिल मुखर पथ आंदोलनों के साथ सिंक्रोनाइज बनाने के लिए बाहर की केवल एक सांस पर हमारी क्षमता का आधार है। क्षमता में इस तरह चिंपांजियों जो कि दिया है प्रोवाइन ने 1996 के रूप में हमारे करीबी रिश्तेदारों में विशेष रूप से अनुपस्थित हैं। श्वास रोगों पर नियंत्रण एन मैक्सारनन और बेन 1999 द्वारा दिखाया गया है। तथा ये 15 लाख और 10 लाख साल पहले के बीच उत्पन्न हुआ है या किया गया है। अप्रशिक्षित गायकों के बीच गायन में प्रयुक्त तो श्वसन समायोजन सामान्य या फिर जोर से बोलों यानी कि ये हिक्सन और सहयोगियों यानी कि 1987 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 361 यानी कि 361 पर है में प्रयोग इन लोगों के लिए समान है। श्वास पर नियंत्रण और संबंधित मुखर परिवर्तन के विकास की खोज पर उदाहरण के लिए की कार्टमिल और वेलो 1998 और डेविड 1999 72 के लिए उन्हें जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जेफरसन के बुनियादी अंतर्दृष्टि संगीत और भाषाई वाक्यांशों के बीच मानव के जो है एक तरह से जो तुक होती है उसको पहचानने और वहां से धारणात्मक रूप से पिछले काम करना उसमें शामिल होते हैं। शुरू में इसमें पूरे अर्थ पूरे गायन वाक्यांशों के साथ संलग्न का एक कार्य का सुझाव दिया गया है, लेकिन जहां संगीत वाक्यांश यानी कि अक्षरों और नोट्स के अलग अलग वैचारिक अर्थ का घटक है और भागों के बीच कोई सुसंगत लिंक नहीं था, हम अब उन्हें समझने के रूप में इस प्रकार का कोई शब्द कर रहे थे, यानी कि कोई भी शब्द था इस समय शुरुआती बिंदु से। जेपर्सन विश्लेषण का एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया शुरू में ही एक दलील दी गई थी जो कि धीरे धीरे पृथक व्यक्ति संगीत वाक्यांशों जैसे पैरों या फिर बहु शब्दांश यानी कि फेराजलेट्स, आज हम शब्दों को क्या कहते हैं, और हमारे जो पूर्व भाषाई पूर्वज हैं वैचारिक प्रणालियों में उनको प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि संज्ञा क्रिया विश्लेषण आदि। इस प्रकार आज इन तीन सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया, संकेत सिद्धांत अग्रीमेंट थ्योरी, श्रम सिद्धांत द यूए वो थ्योरी, तथा थर्ड सिद्धांत है संगीत सिद्धांत सिंग सॉन्ग थ्योरी, जिसके सारांश रूप में बताया जा सकता है संकेत सिद्धांत। इस सिद्धांत को या निर्णयवाद अथवा स्वीकारवाद के नाम से जाना जाता है। इस मत के प्रवर्तक फ्रेंच विचारक रूसो हैं। इनके अनुसार प्राचीन काल में आपसी समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है श्रम ध्वनि सिद्धांत यानी कि द इओ हे हो सिद्धांत, इसे सारांश रूप में बता सकते हैं कि सिद्धांत हम देख रहे हैं श्रम ध्वनि सिद्धांत यानी कि द यो हे हो थ्योरी
तो इसके विषय में कह सकते हैं कि इस सिद्धांत को समापहार मूलकतावाद अथवा यू ही हो वाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमजन्य हो या हय इत्यादि श्रमजन्यों के आधार पर भाषा की उत्पत्ति हुई। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है, जब कोई भी व्यक्ति मेहनत करते थे यानी कि कठिन कार्य करते थे या श्रम करते थे, उस समय वे अनेक तरह की आवाजें निकाला करते थे, जैसे कि वजन उठाते समय, वजन को खींचते समय, या फिर अन्य कोई ऐसा करते समय जिसमें कि श्रम बहुत ज्यादा लग रहा है और एनर्जी भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रही है, तो उस समय उनकी एक एक तरह से चीख टाइप एक आवाजें निकलती थी, और इसी से कहा जाता है कि भाषा की उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे विकास हुआ। सन 1970 में एल नोएरे ने लेवर कोलाहल या श्रम ध्वनि सिद्धांत को दिया। उनके अनुसार आदिमिया प्राचीन लोग कार्य करते हुए कोलाहल करते थे। इस तरह धीरे धीरे भाषा का निर्माण व विकास माना जाता है। और जो लास्ट सिद्धांत है, संगीत सिद्धांत, सिंग सॉन्ग थ्योरी, इसके विषय में हम संक्षेप में या सारांश रूप में कह सकते हैं कि इसे प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग वाद या वो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव प्रारंभ में जो संगीत के रूप में अपने मनोरंजन के लिए जो भी कहता था, शब्दों का प्रयोग करता था, गाता था या तुक बनाता था, उसी से धीरे धीरे जो है भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। संगीत सिद्धांत को प्रेम सिद्धांत, सिंग सॉन्ग वाद या वो थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये कैसे उत्पन्न हुआ है? पहले शुरू में ही जो है निष्क्रिय रूप में व्यक्ति एक तरह से बहुत देर तक गाता था या बोलता था, तो उस समय होता क्या था कि धीरे धीरे इसी तरह से संगीत को माना जाने लगा, जैसे कुछ बजाया जाने लगा, साथ में कुछ बोला जाने लगा, तो धीरे धीरे जो है संगीत की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई और उसी से भाषा का विकास या भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।